हेलो सो व्हाट्सअप गाइस, क्या आप अपनी वीडियो को बेहतर बनाना चाहते हो, यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए लेना पड़ेगा गाइस एक अच्छा सा माइक। तो आज हम आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो लाए हैं एक अपने बोया बाई वन एम वन माइक की। तो देखिए इस माइक को। तो गाइस ये वाला जो माइक है ये बहुत ही बढ़िया माइक है, बिगनर यूट्यूबर्स इसको लेना प्रेफर करते हैं। या आपका बजट 800-900 के बीच में है तो आप इस माइक को ले सकते हैं। तो आप और आगे भी जा सकते हैं, जैसे कि आप लोग रूट के माइक ले सकते हैं। जब ये बढ़ते जाएंगे वैसी वैसी क्वालिटी भी अच्छी होती जाएगी। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा होगा कि वो साइड से स्टैंड होता है और यहाँ पे उनका माइक होता है और बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी आती है। तो वो उस जैसे माइक से 10-15 हज़ार के बीच में आते हैं, तो वो आपको प्रेफर नहीं करूँगा। ये M1 Y1 का ये सिर्फ बिगनर यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही अच्छा माइक है। बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको यूज करते हैं, जैसे कि टेक्निकल गुरु जी हो गए, वो भी इस माइक को यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया माइक है। तो ये देखिए गाइस ये रहा हमारा बोया का Y1 M1 माइक। तो ये माइक की क्वालिटी गाइस बहुत ही अच्छी है। इसमें ट्रांसड्यूसर दिया गया है, इसमें बहुत ही लंबी वायर दी गई है गाइस। पहली बात तो आप यही देखिए, इसमें बहुत ही लंबी वायर दी गई है। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी सील ब्रेक हो चुकी है, सील तो नहीं, डब्बा ब्रेक हो चुका है। तो ये देखिए जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ मिलती हैं ज्ञान की बातें जिनको कोई नहीं पढ़ता आजकल, जो वैसी दे रखी है कंपनी ने। यहाँ पे हैं कुछ ज्ञान की बातें और ये हमारा वारंटी कार्ड जिसमें चाइनीज में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको आपको पढ़ के नहीं बता सकता। तो इस सब को करते हैं असाइड। तो ये है हमारा बहुत ही अच्छा माइक, बहुत ही सॉफ्ट माइक है। आइए नहीं मतलब सॉफ्ट माइक नहीं है, सॉफ्ट माइक का ये थैला है, ये हमें थैला दे रखा है Y1 M1 की तरफ से थैला दे रखा है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं इस थैले की। तो यहाँ से ये खुल जाएगा, तो यहाँ से ये खुल चुका है। मुझे दिख रही हैं कुछ वायर्स दिख रही हैं यहाँ पे वायर्स बहुत ही लंबी। यहाँ पे ये स्विच करने को। तो ये है हमारा माइक, इस पर आप कैमरा और स्मार्टफोन पर स्विच कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ पे स्विच दे रखा है, तो ऊपर करोगे तो कैमरा पे स्विच हो जाएगा, नीचे करोगे तो स्मार्टफोन पर स्विच हो जाएगा। तो यही है हमारा। और ये है 3.5 mm का जैक, और ये हमारे लिए नई थैली दे रखी है। तो इसकी देखते हैं इसको खोलकर इसमें क्या क्या निकलता है। तो इसमें गाइस हमें ये मिल चुका है, ये हम माइक में लगा सकते हैं। दिखा देता हूँ आपको लगा, ये है हमारा नन्हा सा माइक। तो इसमें हम लगा सकते हैं यहाँ पर इससे यूँ स्विच करके, ये हम अब कहीं भी टांग सकते हैं। और यह हमारा डेड कैट है, कहाँ गया, और ये हमारा डेड कैट, ये हम माइक के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारे पास ये इस माइक के ऊपर लग जाता है, ये डेड कैट है। ये बेसिकली जब काम आता है, जब आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा हवा ज़्यादा नॉइज़ आती है तो ये नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए होता है ये डेड कैट। और आपको दिखा देते हैं इसमें एक और चीज़ मिली है। तो ये है बड़ा सा, ये आप देख रहे होंगे इसको, इसके दोस्त को आपको इसमें चुबाना है, इसको गाइस आपको चुबाना नहीं है, ये इसमें लग जाता है। तो इसमें ऐसे इस तरीके से लग जाता है और ये आपको बड़े डिवाइस में काम आएगा, जब आप जैसे कि डैग होता है उन सब चीज़ों में इसको कंपेटेबल है उसके साथ में भी ये इसको लगाकर हम डैग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इस माइक को। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत ही अच्छा माइक है, ज़रूर लेना।
जो भी यूट्यूबर बनना चाहता है मेरी तरह, बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी आती है इसकी।